हाय फ्रेंड्स, एडुकेशन आईक्यू में आपका फिर से स्वागत है। मैं सागर आज आपके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट 3 लेके आया हूँ, ठीक है, जिसमें मैं बताऊँगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे कैसे रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं, लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो देखने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आप ALP और टेक्नीशियन के पूरी पूरी अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। पहले हम पढ़ेंगे क्या कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस, कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कंटिन्यूस थिक लाइन। क्या है कंटिन्यूस थिक लाइन? लगातार मोटा लाइन जो होता है उसके बारे में, ठीक है। जैसे हम इसका विवरण है, कंटिन्यूस थिक लाइन इसे हम कहते हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? आउटलाइन एज के लिए इस्तेमाल होता है, या जो एज विजिबल हो, दर्शित किनारा को दिखाने के लिए हम लोग कंटिन्यूस थिक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, तो ये जो एजेस जो बाहर की तरफ सब दिख रहा है, ये क्या चीज़ होगा? ये कंटिन्यूस थिक लाइन्स होगा, ये आउटलाइन एज हो गया, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं दूसरी लाइन के बारे में। ये क्या है? कंटिन्यूस थिन लाइन, लगातार पतली रेखा जो होगी वही हो गया कंटिन्यूस थिन लाइन। इससे हम लोग क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इससे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन को, विमांकन रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एक्सटेंशन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, विस्तार रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए एक्सटेंशन लाइन क्या होता है। जैसे हमको इसका, अगर ये जो क्यूबॉइड है इसका हमको डायमेंशन दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे विस्तार करेंगे, तो पतली रेखा से हम लोग क्या करते हैं? विस्तार करते हैं, और इसके बीच में क्या करते हैं? फिर एक कंटिन्यूस थिन लाइन देते हैं डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सटेंशन, हो गया एक्सटेंशन लाइन हो गया, और ये क्या हो गया? डायमेंशन लाइन हो गया, दोनों हो गया। तो क्या हो गया? जो लगातार पतली रेखा होती है उससे हम लोग क्या दिखाते हैं? डायमेंशन को दिखाते हैं, विमांकन रेखा को दिखाते हैं, और दूसरी एक्सटेंशन लाइन को दिखाते हैं। चलिए तीसरे इस तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? इंक्लाइंड लाइन रहेगा, ये मतलब लीडर लाइन इसको कहते हैं। ये क्या होगा? तिरछी रेखा रहेगा, तिरछी रेखा, उसके बाद सीधी चली जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? लीडर लाइन कहते हैं। इससे हम लोग क्या विवरण करते हैं, क्या दर्शाते हैं? डायमीटर को दर्शाते हैं, रेडियस को दर्शाते हैं, या स्पेशल कैरेक्टर को दर्शाते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर दिखाना है, मान लीजिए कोई भी सर्कुलर, ये है टू डायमेंशनल फिगर दिखाते हैं, कोई सर्कल है, ठीक है। इसका अगर डायमेंशन हमको दिखाना है, डायमीटर दिखाना है, मान लीजिए डायमीटर दिखाना है, ठीक है जी, डायमीटर है। इसे क्या करेंगे हम लोग? एक्सटेंड करके ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया फाई जो भी है, मान लीजिए 5 mm या 10 mm जो भी है, 10 mm, तो ये हो गया, ये क्या हो गया? ये लीडर लाइन हो गया, ठीक है। और ये फाई क्या दर्शाता है? फाई दर्शाता है आपको डायमीटर को, और रेडियस अगर दर्शाना रहे तो हम कैपिटल R का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगली लाइन पे, अगली रेखाओं पे। क्या है? शॉर्ट डैश लाइन, छोटा छोटा जो डैश रहता है ना, लाइन रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट डैश लाइन कहते हैं। और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, विवरण कहाँ होता है, डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है? हिडन लाइंस के तरफ। जैसे जो रेखाएं हमें विजिबल नहीं है, जैसे इसमें देखिए, इसमें एक रेखाएं यहाँ पे होगी, ठीक है, जो कि विजिबल नहीं है, फिर यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये रेखाएं हमें विजिबल नहीं है, लेकिन अगर हमको दिखाना है तो हम क्या आगे से अगर दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे, हिडन लाइन से दिखाएंगे, मतलब छुपा हुआ रेखा, इसे कहते हैं। अब बात करते हैं 5वीं लाइन पे, जो है कंटिन्यूस लाइन विद शॉर्ट डैश। देखिए कंटिन्यूस लाइन है, लेकिन क्या है, बीच में शॉर्ट डैश है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये कितना mm का लाइन रहता है? ये 15 से 30 mm का लाइन रहता है, 15 से 30 mm का लाइन रहता है, ठीक है। और ये जो लाइन रहता है, ये 2 से 3 mm का लाइन रहता है, 2 से 3 mm का लाइन रहता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस लाइन विथ शॉर्ट डैश होता है, ये इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सेंटर लाइन के लिए। क्या चीज़ के लिए? सेंटर लाइन के लिए। जैसे देखिए, ये हो गया कोई सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, इसका सेंटर लाइन दिखाना है ना, तो हम लोग कंटिन्यूस लाइन विथ शॉर्ट डैश दिखाते हैं, हो गया। अब इसी में एक टाइप है, ये देखिए, ये भी कंटिन्यूस लाइन है विथ शॉर्ट डैश है, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो लाइन है, इसको क्या किया गया है? थिक किया गया है, ठीक है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेक्शन प्लेन के लिए, सेक्शन प्लेन को, जो सेक्शन प्लेन जिसको काटना है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए, ये कोई डायग्राम है, ये कोई डायग्राम है, ये कोई डायग्राम है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, ये डायग्राम है। इसको अगर यहाँ से कटिंग करना है, तो यहाँ ये थिक हो जाएगा,
फिर ऐसे, फिर ठीक हो गया, फिर पतला हो गया, फिर ये पतला हो जाएगा, फिर ये छोटा, फिर पतला, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एरो करके दिखाएंगे, एरो। तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ से हम लोग क्या क्या करना है, कटिंग करना है। तो ये सेक्शन प्लेन को दिखाने के लिए करते हैं। और इसी में हैचिंग लाइन अगर बात करें, हैचिंग लाइन क्या होता है, तो कटे भाग को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए अगर यहाँ से हम कटिंग करते हैं तो क्या बचेगा, अगर हम कटिंग कर दिए तो आपका बचेगा, देखिए क्या बचेगा, ये बच गया, ठीक है, इसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो कटिंग करने के बाद ये बचा, ठीक है। अब इसको अगर हम इधर से देखते हैं तो कैसा दिखेगा, आयताकार दिखेगा, आयताकार दिखेगा ना, ऐसे कुछ ऐसा दिखा। और इसको दिखाना है आपको तो कैसे दिखाएंगे, हैचिंग लाइन से दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। और ये जो हैचिंग लाइन होता है ना, इसका जो एंगल होता है ये कितना होता है, 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। और इसके बीच का जो ये रहता है, डिस्टेंस रहता है, वो रहता है दो से तीन एम एम रहता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैचिंग क्रिया कितने डिग्री कोण पे किया जाता है। तो हैचिंग क्रिया, जो हैचिंग लाइन है या क्रिया है, वो कितने डिग्री कोण पे किया जाता है, तो कितने डिग्री कोण पे किया जाता है, 45 डिग्री कोण पे किया जाता है। हैचिंग क्रिया में दो लाइनों के, दो इंक्लाइंड लाइन के बीच का दूरी कितना होता है, तो 2 से 3 mm दूरी होता है, ठीक है। और हैचिंग लाइन कटे भाग को प्रदर्शित करने के लिए दिखाते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंटिन्यूस फ्री हैंड लाइन की। तो कंटिन्यूस फ्री हैंड लाइन देखिए, ऐसे कंटिन्यूस लगातार फ्री हैंड है, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी साफ्ट को अगर दिखाना है, कोई भी साफ्ट हो उसको अगर दिखाना है, उसको अगर दिखाना है तो हम लोग कंटिन्यूस फ्री हैंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये हो गया कंटिन्यूस फ्री हैंड लाइन, ठीक है, ये हो गया कंटिन्यूस फ्री हैंड लाइन, ठीक है। और अगर बात करें जिगजैग लाइन की, तो जिगजैग लाइन ये हो गया जिगजैग लाइन, इसको हम लोग कहते हैं किंक, कहते हैं किंक। मान लीजिए अगर 40 किलोमीटर लंबा रोड है तो उसे हम दिखाने के लिए क्या, 40 किलोमीटर लंबा हम रोड का डायग्राम बनाएंगे, नहीं ना, उसको हम जिगजैग लाइन से दिखाते हैं। जैसे ये रोड है, ठीक है, फिर इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि बहुत लंबी रोड है, उसको हम लोग शॉर्ट करके दिखा रहे हैं। तो कोई भी बड़ी चीज़ों को शॉर्ट करके दिखाने के लिए हम लोग किस लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिगजैग लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिगजैग लाइन का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बता दिया रेखाओं के बारे में, इम्पॉर्टेंट रेखाओं के बारे में, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है एलपी और टेक्नीशियन में। अब बात करते हैं हम लेटरिंग के बारे में, जिसे अक्षरण बोलते हैं, ठीक है, अक्षरण नहीं अक्षरण बोलते हैं, ठीक है। लेटरिंग का मतलब होता है लेटर राइटिंग। इसे भी मैं ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊँगा, जो क्वेश्चन आपके एलपी या टेक्नीशियन में पूछेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊँगा। लेटरिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक टाइप ए होता है, एक टाइप बी होता है दूसरा, ठीक है। और टाइप ए में दो चीज़ होता है, एक बड़े अक्षर होते हैं, बिग लेटर्स होते हैं, बिग अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। टाइप बी में भी उसी तरह बिग अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अक्षरण करने के मुख्यतः कितने तरीके हैं। तो लेटरिंग करने के मुख्यतः दो तरीके हैं, ठीक है। तो कितने तरीके हैं, मुख्यतः अगर पूछा जाए, मुख्यतः कितने तरीके हैं, तो दो तरीके हैं। और अगर पूछे लेटर राइटिंग के कुल कितने तरीके हैं, लेटरिंग करने के, अक्षरण करने के कुल कितने तरीके हैं, तो आपका हो जाएगा 4। जैसे टाइप ए टाइप बी तो हो गया मुख्यतः दो तरीके हो गया, और उसके अंदर अंतर्गत कितना आया, टाइप ए के अंतर्गत बड़े अक्षर छोटे अक्षर आया, टाइप बी के अंतर्गत बड़े अक्षर छोटे अक्षर आया, तो ये क्या हो गया, 4 कुल तरीका हो गया। करते हैं लेटर राइटिंग जो करेंगे हम लोग, तो उसमें हाइट ऑफ लेटर्स क्या होता है, हाइट ऑफ लेटर्स को पहले हम लोग एच से सूचित करते हैं, कि क्या चीज़ है, एच से सूचित करते हैं, ठीक है। देखिए ये अल्फ़ाबेट है ए, इसमें अगर बात करें हाइट ऑफ लेटर्स क्या होता है, तो ये हो गया हाइट हो गया, और ये हाइट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये हो गया क्या, डब्ल्यू हो गया, विड्थ हो गया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो हाइट ऑफ लेटर होता है वो 2.5 होता है, 5 होता है, 10 होता है और 20 होता है, 3.5 होता है, 7 होता है और 14 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लाइन थिकनेस ऑफ लेटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D से, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
तो लाइन थिकनेस ऑफ लेटर जो होता है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका टाइप ए में फॉर्मूला होता है एच बाई 14 होता है। एच क्या हो गया, एच हो गया हाइट, हो गया हाइट बाई 14 होता है। और टाइप बी में बात करें तो टाइप बी में होता है एच बाई 10 होता है, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे टाइप ए में है कि टाइप बी में है, तो देखिए अगर आप अल्फ़ाबेट का हाइट अगर 2.5 लेते हैं, 5 लेते हैं, 10 लेते हैं या 20 लेते हैं, तो ये टाइप ए के अंतर्गत आएगा। टाइप ए क्यों आएगा अंतर्गत, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होगा, डिविजिबल हो। टाइप बी के अंतर्गत आएगा, सॉरी ये आएगा आपका टाइप बी के अंतर्गत आएगा। अगर आप 3.5 लेते हैं, 7 लेते हैं या 14 लेते हैं, तो ये आएगा टाइप ए के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या होगा, कटेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें, अगर 7 लेते हैं हम हाइट लेते हैं अल्फ़ाबेट का, मतलब ये अगर 7 ले लिए हाइट, तो क्या होगा, तो पता चल गया टाइप ए के अंतर्गत है। तो टाइप ए का डी कैसे निकलेगा, तो 7/14 निकलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया 1.2 हो गया कट के, तो 0.5 हो गया। तो 0.5 mm क्या हो गया, जो लेटर लिखेंगे ना, इस लेटर के लाइन का थिकनेस हो जाएगा 0.5 mm। मतलब हम लोग अगर पेंसिल इस्तेमाल करेंगे तो 0.5 mm का पेंसिल इस्तेमाल करेंगे क्या, लेटर राइटिंग करने के लिए। देखिए वैसे लेटर राइटिंग करने का तो बहुत सारा स्टाइल होता है, ठीक है। कंप्यूटर में आप देखिएगा कि बहुत सारे स्टाइल से हम लोग क्या करते हैं, लेटर राइटिंग करते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेनली चार तरीके से करते हैं हम लोग लेटर राइटिंग। एक गॉथिक होता है, गॉथिक थिकनेस क्या होता है, मोटा, ऐसे THIC K होता है थिक, लेकिन यहाँ पे हम उसी से समझते हैं थिकनेस क्या होता है, मोटा। तो अगर थिक मोटे रेखाओं से अगर हम लेटर राइटिंग करें, मोटे रेखाओं से अगर लेटर राइटिंग करें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, गॉथिक हो जाएगा, ठीक है, गॉथिक। और रोमन में क्या होता है, अगर पतली रेखाओं से अगर हम लेटर राइटिंग करते हैं, पतली रेखाओं से अगर लेटर राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हो जाता है रोमन हो जाता है। अब बात करते हैं इटैलिक में, इटैलिक में क्या होता है ना, रोमन के ही तरह रहता है, लेकिन क्या होता है, इंक्लाइंड रहता है, मतलब थोड़ा तिरछा हुआ रहता है। जैसे ये हो गया, देखिए लेटरिंग कर रहे ना, ये हो गया, ये हो गया, थोड़ा एंगुलर रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ए फिर बी ऐसे सी, ठीक है, तो इंक्लाइंड रहता है, ठीक है। तो अगर ओके तो इटैलिक में क्या होता है ना, कि इटैलिक जो होता है रोमन की तरह ही लेटर राइटिंग होता है, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा लेटर राइटिंग रहता है। तो इससे क्वेश्चन भी आता है आपका कि इटैलिक का अक्षर जो तिरछा होता है कितने डिग्री तिरछा होता है ऊर्ध्वाधर से, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन से, सॉरी वर्टिकल लाइन से, ये जो अल्फाबेट्स होता है कितने डिग्री के एंगल पर रहता है, तो ये रहता है 15 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि छत्तीस से, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये कितने डिग्री का एंगल रहता है, तो देखिए ये 90 डिग्री का होगा, तो 15 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 75 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इटैलिक में जब हम लेटरिंग करते हैं या अक्षरण करते हैं, तो अल्फाबेट्स का छत्तीस से कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो वो 75 डिग्री का एंगल बनता है। अगर आपसे पूछे वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 15 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब अगला है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट में हम लोग स्टाइलिश तरीके से ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये स्टाइलिक तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टेक्स्ट राइटिंग होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेंसिल के द्वारा लिखते हैं। क्या चीज़ के द्वारा लिखते हैं, इन स्टेंसिल, स्टेंसिल के द्वारा हम लेटर राइटिंग करते हैं, स्टेंसिल द्वारा लिखते हैं, लेटर राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट हो गया। तो क्या हो गया, चार तरीका होता है, गॉथिक होता है, रोमन होता है, इटैलिक होता है, टेक्स्ट होता है। गॉथिक में हम लोग क्या करते हैं, थिक लाइन से लिखते हैं, इसमें थिन लाइन से लिखते हैं, ठीक है। इसमें एंगल पे लिखते हैं, और इसमें स्टेंसिल द्वारा लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेटर राइटिंग का स्टाइल होता है। दोस्तों लेटर राइटिंग हम लोग जो करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो लेटर राइटिंग करते हैं, तो उसमें अक्षरों के बीच का जो, जैसे एडुकेशन IQ लिखे हैं हम लोग लेटर राइटिंग करके, तो एक अक्षर या दूसरे अक्षर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कैसे निकालते हैं, दो शब्दों के बीच का डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, दो आधारों के बीच का डिस्टेंस, जैसे एक लेटर राइटिंग किया फिर दूसरा लेटर राइटिंग किया, तो दोनों आधारों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो होता है आपका
अगर दो अक्षरों के टाइप ए में दो अक्षरों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो 2/14 इंटू एच होता है, ठीक है। और अगर निकालना है दो शब्दों के बीच का तो ये हो जाएगा 6/14 इंटू एच होगा, ठीक है। और दो आधारों के बीच का निकालना है तो ये हो जाएगा 10/14 इंटू एच हो जाएगा, 10/14 इंटू एच, ठीक है। और अगर हम बात करें टाइप बी की, टाइप बी की बात करते हैं, ठीक है, टाइप बी की बात करेंगे ठीक है, तो दो शब्दों के बीच का, दो अक्षरों के बीच का ये हो जाएगा 2/10 इंटू एच हो जाता है। और बात करें दो शब्दों के बीच का हो जाएगा तो 6/10 इंटू एच हो जाएगा, और इसका बात करें तो 7/10 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। मतलब दो आधारों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 7/10 इंटू एच। ये किस में हो गया? टाइप बी में हो गया। तो दोस्तों ये था आज का थ्योरी लेटर राइटिंग से रिलेटेड और रेखाओं से रिलेटेड, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा जाता है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जितना भी मैंने अभी तक टॉपिक पढ़ाया है या सैटरडे तक पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको संडे को टोटल 50 से 60 क्वेश्चन अराउंड डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो कृपया हमारे वीडियो को पूरा पूरा देखें और उस दिन क्वेश्चंस का आंसर दें, ठीक है, जिससे लग सके कि हाँ आपने तैयारी की है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन IQ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं कि आने वाले वीडियोस को आसानी से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।